प्रिय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो पे हम करने वाले हैं आरआरबी साइंस का प्रैक्टिस सेट 5 कंप्लीट करने वाले, जहां पर हम 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। और आपको बता दूं, आज जितने भी रेलवे के एग्जाम्स होते हैं उनमें से पूरे क्वेश्चन इसी प्रैक्टिस सेट से आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम रेलवे साइंस का प्रैक्टिस सेट का 6वां प्रैक्टिस सेट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हम मिलकर तैयारी करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन दिए गए न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन मीटर, पास्कल और न्यूटन। तो आप जानते हो कि दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल, तो आप सभी को इसका सही उत्तर टिक करोगे दाब का पास्कल, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को कमेंट में बताना है कि आपके आज 25 में कितने स्कोर बनने वाले हैं। ठीक है, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, जब स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? ऑप्शन है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, संवेग संरक्षण का नियम। तो आप में से इसका सभी सही उत्तर लगाएंगे न्यूटन की गति का प्रथम नियम में होता है कि जो वस्तु स्थिर है जो स्थिर रहेगी, जो वस्तु गतिमान है गतिमान रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह बल ना लगाया जाए। ठीक है, अगला है बच्चों, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है बिंदी बिंदी कहलाएगा। तो ऑप्शन दिए गए, उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसका मान शून्य होगा, वह नियत रहेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो आप में से सभी प्यारे बच्चे इसका सही उत्तर लगाएंगे कि देखिए, कार्य यहाँ पर धनात्मक बोला है तो आप लगा दो कि ऊर्जा में वृद्धि, यदि यहाँ पर कार्य बोलता है ऋणात्मक तो यहाँ पर लगा देते ऊर्जा का ह्रास। ठीक है ना, बट आप सभी को इसका सही उत्तर लगाओ, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला है प्यारे बच्चों, जब दो विभिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्रण का ताप होगा। तो क्या होगा मिश्रण का ताप? ऑप्शन है, अधिक ताप वाली वस्तु के ताप से अधिक, दूसरा है अधिक ताप वाली वस्तु के ताप से कम लेकिन कम ताप वाली वस्तु के ताप से अधिक, थर्ड है दोनों वस्तुओं के तापों के योग के बराबर, फोर्थ है कम ताप वाली वस्तु के ताप भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आप में से इसका जो सही उत्तर लगाएंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जो अधिक ताप वाली वस्तु के ताप से लेकिन कम ताप वाली वस्तु के ताप से अधिक, मतलब क्या होगा हीट का इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है ना, कि जो जो कम होगा ज्यादा वाले से कम वाले में ट्रांसफर हो जाएगा हीट और आपका ये जो हीट है वो इक्वल हो जाएगा। चलिए अगला है बच्चों, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के बिंदी बिंदी पर हो तो प्रतिबिंब आवर्तित आभासी और सीधा बनेगा। आपको बताना है कि आभासी सीधा और प्रतिबिंब आवर्तित कब बनेगा। ऑप्शन दिया है, F1 और O के मध्य, दूसरा है 2F1, थर्ड है F1 और फोर्थ है अपरिमित। यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस का बोला है, किसका बोला है उत्तल लेंस का। तो उत्तर आप में से इसका जो सही उत्तर लगाएंगे F1 और O के मध्य, कितने यहाँ पर F1 होगा और यहाँ पर O होगा। ठीक है, इसके मध्य में जब कोई प्रतिबिंब बनता है तो ये पीछे जाएगा, पीछे आएगा तो यहाँ पर आपका भासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। अगला है, एक विशिष्ट पर कि एक माह की ऊर्जा खपत 9×10^8 जूल है, इकाइयों में इसकी ऊर्जा कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन है, 2500 इकाई, 250 इकाइयां, 25 इकाइयां, 0.25 इकाइयां। तो इसका ऑप्शन नंबर 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 250 इकाइयां। कि देखिए एक माह में होता है 30 दिन होता है। ठीक है ना, ओके 30 दिन होता है एक माह में, या कि आप जितना 31 31। ठीक है ना, यहाँ पर किसी माह का नहीं कहा गया कि कौन से माह का लिया गया, तो आप 30 मानिए और इसको 9×10^8 जूल से गुणा कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो 0 से 0 कट हो जाएगा, 9×8 = 27। ठीक है ना, ऐसे आपका बन जाएगा 250 इकाइयां, इसका सही उत्तर आ जाएगा। अगला है बच्चों, एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स है, यदि इसकी तरंग दैर्ध्य 2 सेंटीमीटर की तरह आवृत्ति की है तो आवृत्ति क्या होगा। तो आपको बताना है लैम्डा बराबर क्या होता है। ठीक है ना, तो आपको जो इसका ऑप्शन दिया गया 1700 हर्ट्ज, 17170 हर्ट्ज यहाँ पर दिया है, 1740 हर्ट्ज और 1700 हर्ट्ज। ठीक है, तो आप में से सभी इसका जो सही उत्तर लगाएंगे आप सभी को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको करते हैं तो पता चल गया, मैंने बता दिया कि
17,000 हर्टेज होता है, ठीक है ना। आप इसको कैसे निकालेंगे एग्जाम में, तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, 340 आपने लिख दिया बटे दो है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिए ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 को गुणा कर देंगे, तो दो से काटे तो 17 आ गया और 3 जीरो, ठीक है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा उत्तर, ठीक है। अगला है बच्चों, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, आपको बताना है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, इनको जोड़ के देखना है कि जिसको जोड़ के हमारा 36 किसका आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि किसका आएगा, तो अठे देखते हैं, अठे में का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी एंड डी दिया हुआ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि आप इसे जोड़ते हैं कि देखिए 2, 8, 10, 10, 20, 28, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न है, इनमें से क्या क्षार है, आपको बताना है कि क्षार कौन सा है, तो आपको पता है सीधे सीधे आप देख सकते हो कि क्षार कौन सा होता है, यानी OH क्षार होगा, तो ऑप्शन नंबर 9 का सी उत्तर हो जाएगा। अगला बच्चों, प्रश्न क्रमांक 10 में दिए गए प्रश्न कथनों में से कौन से सही है, ऑप्शन है दूसरे समूह के तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है, ठीक है, दूसरे समूह को बोला है, ठीक है ना, जो क्षार ऐसे समूह होते हैं ऐसे वाले, इन्हें समूह कहते हैं। फिर है पहले समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। थर्ड है 17वें समूह को हैलोजन कहा जाता है। तो आपको पता है कि पहले समूह को क्षारीय धातु कहते हैं, दूसरे को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, 17वां को हैलोजन कहते हैं। तो दूसरे को इसमें पहला है, तो ऑप्शन इसमें है ए और सी, दूसरा है केवल ए, तीसरा है बी और सी, फोर्थ है केवल सी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 17वें समूह के तत्व को हैलोजन कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक ऑप्शन है मेरे अभी दोनों ही गलत यहाँ पर दिए हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 11, बिंदी बिंदी वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण बनाते हैं, ऑप्शन है उदासीनीकरण, दूसरा है वैद्युत अपघटन, थर्ड है आसवन, चौथा है हाइड्रोलिसिस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों आपका कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया आपको बता दूं, उसे कहते हैं जब अम्ल और क्षार आपस में मिलकर एक उदासीन लवण बनाते हैं, ठीक है, और पानी बनाते हैं, तो उसी प्रक्रिया को हम उदासीनी प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। अगला है बच्चों, बिंदी बिंदी सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 है, कांसा बिंदी बिंदी की मिश्र धातु, ऑप्शन दिया गया जिंक और आयरन की, तांबा और टीन की, टीन और जिंक की, आयरन और मरकरी की। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तांबा और टीन। क्या हो जाएगा, तांबा और टीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक से अधिक द्वि आबंध होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो आपको पता है कि एल्केन होता है जो एक बंधी होता है, ठीक है, बाकी एल्कीन एल्काइन द्विबंध और त्रिबंध होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं एल्केन एल्काइन एल्कली एल्कीन, तो आप में से इसका जो सही उत्तर लगाएंगे एल्कीन इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। और इसका कुछ तो आप समझ नहीं पाएंगे तो इसे बताना बेकार है, जो काम का चीज़ है आप उसे देख लीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है, ऑप्शन दिए गए एक्रिक्लिक, पॉलिस्टार, नाइलॉन और रेयॉन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा है कृत्रिम रेशा पूछा है, कृत्रिम रेशा, तो आपका कृत्रिम रेशा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का रेयॉन हो जाएगा, ठीक है ना। प्लास्टिक पूछता तो आप नाइलॉन लगा सकते थे, ठीक है ना, फाइबर वाइबर में, लेकिन यहाँ पर रेशा पूछा है रेशम, तो आप इसका रेयॉन टिक करेंगे, ठीक है। अगला है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है, ऑप्शन है प्रोपेन, मीथेन, इथेन और ब्यूटेन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा कि मीथेन हो जाएगा, आपको पता है मीथेन का जो सूत्र होता है CH4 होता है, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 16, जीवाणु की खोज किसने किया था, ऑप्शन है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, दूसरा रॉबर्ट ब्राउन, थर्ड है रॉबर्ट हुक और फोर्थ है रॉबर्ट कोच। तो आपको पता होना चाहिए कि 16वें का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका एंटोनी वॉन लीवेनहॉक हो जाएगा। क्या होगा कि जीवाणु की खोज किसने किया था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। और देखिए रॉबर्ट हुक, तो रॉबर्ट हुक में आप बताओगे कि कोशिका की खोज किसकी, कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है ना। और केंद्र की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है बच्चों, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है, ऑप्शन है एस्क्लेरा, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, हाइड्रोडर्मिस। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एपिडर्मिस।
क्या हो जाएगा, एपिडर्मिस हो जाएगा। ठीक है ना, माना सही कि सबसे बाहरी परत को क्या लगाओगे, एपिडर्मिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद्य कलिकाएं मौजूद होती हैं। ऑप्शन है 2000 से 8000, 5000 से 10000, 1 मिलियन से 10 मिलियन, 10 मिलियन से अधिक। तो आप यहां पर पूछेंगे कि स्वाद कलिकाएं होती क्या है। आप देखोगे कभी जीव को ध्यान से, जीव में छोटी 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 बिंदी होती हैं, ठीक है ना, उसी को हम स्वाद कलिकाएं होती है, जहां से हम खट्टा मीठा अम्ल छार कड़वा इन सब का पता लगाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहां पर विटामिन के नाम दिए गए हैं और इधर उसके खोजकर्ता का नाम दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर ए का है मैकुलन, बी का है मैकुलन, थर्ड का लिंड है और फोर्थ का पॉल मूलर है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो आप में से सभी सही को लगाएंगे। देखिए विटामिन ए की खोज तो मैकुलन ने किया था, मुझे पता है। विटामिन बी की खोज मैकुलन ने किया था, ये भी मुझे पता है। विटामिन सी की खोज जेम्स लिंड ने किया था, ये भी सही उत्तर है। तो इसका गलत उत्तर क्या होगा, तो गलत उत्तर होगा आपका विटामिन डी का, पॉल मूलर ने खोज नहीं किया था। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है, निम्न का मिलान करिए। ऑप्शन दिया कि मोतियाबिंद, पीलिया, मधुमेह और स्टोमाइटिसिस। ठीक है ना, तो चलिए इसको मिलान करते हैं। तो पहले बता दें मोतियाबिंद आपका किससे संबंधित है, तो आंख से है, ए का टू हो जाएगा। तो देखिए ए का दो किस्में हैं, इसी बस में और किसी में नहीं, तो 20 का हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि उत्तर हो जाएगा 20। लेकिन चलिए हम और इसको आगे मिलाते हैं कि पीलिया, पीलिया आपका यदि पीलिया होता है तो आपकी किस अंग को प्रभावित करता है, तो यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है ना, फिर आता है सी। ठीक है ना, सी में हम देखते हैं मधुमेह, तो मधुमेह हमारे पाचन ग्रंथि को प्रभावित करता है। फिर इसके बाद आता है स्टोमेटाइटिस, तो स्टोमेटाइटिस का संबंध आपके जीभ से होता है, तो आप इसका सही उत्तर लगाओगे ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला है, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है। ऑप्शन है बाहदल और पुंकेश्वर, पुंकेश्वर और स्त्री केसर, बाहदल और पंखुड़िया, पंखुड़िया और स्त्री केसर। ठीक है, तो आप में से जो सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि पुंकेश्वर और स्त्री केसर। देखिए जैसे कि ऐसे बोला प्रजनन, देखिए आप मैं बताता हूँ, ह्यूमंस में बात की जाए, ह्यूमंस में तो एक मेल और फीमेल यदि आपस में मिलते हैं तो जाके प्रजनन होता है किसी थर्ड का। ठीक है ना, उसी प्रकार से जब फूलों के स्त्री केसर और पुंकेश्वर का मिलन होता है तब हमारे प्रजनन होती है फूलों का। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 22। प्रश्न क्रमांक 22 से पूछा गया, सूची एक को सूची दो में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते उत्तर दीजिए। यहाँ पर अभयारण्य दिया गया और उसके उत्तर दिए गए हैं, तो चलिए इसका मिलान करते हैं कि राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है। तो आप में से जो इसका सही उत्तर पहले हम बात कर लेते हैं, फिर इसका टिक करते हैं। इसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि आप यदि आपको भूलता है चीजें कि आपको, तो आप इस एग्जाम में कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा। यदि आपको यह ट्रिक पसंद आए तो प्लीज एक शेयर तो जरूर करिएगा। ठीक है, मरु उद्यान, तो आप में से राष्ट्रीय मरु उद्यान होगा जैसलमेर। ठीक है ना, कहाँ है, जैसलमेर में। जो लोग जैसे कि हम लोग इधर कोई मर जाता है तो लोग दुख मनाते हैं, क्या मनाते हैं, दुख। तो हम इसका अपोजिट याद कर लेते हैं कि जब कोई मरता है तो हम इसका खुशी मनाते हैं, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है। ठीक है, दूसरा है तल छापर कहाँ है, तो आप तल छापर देखोगे कि तल में जमीन में कौन रहता, चूहा रहते हैं, चूहा रहते हैं ना, तो इस प्रकार से आप रखते हो कि तल छापर कहाँ है, चिरू में है। ठीक है, अगला है बच्चों फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल क्या होता है, देखो फूल का क्या होता है, फूल का उदय होता है, फूल खिलते हैं, तो आप बता दो फुलवारी का नाल उदयपुर में होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है बांध बरेठा, तो बांध कहाँ बनाया जाता है, भारत के अंदर हमारे बांध ही बांध है, तो हम इसे रख लेंगे बांध बरेठा कहाँ है, भरतपुर में है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है बच्चों, निम्नलिखित में लुप्त प्राय प्रजाति का युग्म कौन सा है। ऑप्शन है गार्डन लिजार्ड का मैक्सिकस प्राणी, दूसरा है भारतीय मोर गाजर घास, तीसरा है रसनन मंकी सॉल ब्रज, चौथा है हरनी ब्रज मोरनी। तो आप में से 23 का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों आपका इसका होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि गार्डन लिजार्ड है जो मैक्सिकस प्राणी है वह लुप्त प्राय हो रहा है आज की डेट में। ठीक है ना, और आपको पता है
कि जो प्रजातियां होती हैं उनका लुप्त होने का मेन रीजन होता है कि उसका ज्यादा मात्रा में कोई शिकार करता है और वह कम मात्रा में प्रजनन करते हैं, इस कारण से लुप्त होने की कगार पे वो चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अगला है बच्चों, सेलरोन पेंटियम और कोरक्रम प्ररूप है तो किसका है? कंप्यूटर रैम का, कंप्यूटर प्रोसेसर का, कंप्यूटर माइक्रोचिप का, उपरोक्त सभी का। तो आप में से पहले हम क्वेश्चंस को समझेंगे। सेलरोन पूछा, क्या पूछा? सेलरोन और पेटीएम और कोर है तो ये क्या है? देखियो पेटीएम वोटीएम क्या, एक प्रकार का प्रोसेसर प्रोसेसिंग करते हैं हमारे डिवाइस पे, ठीक, तभी तभी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, तो इसका हो जाएगा कंप्यूटर प्रोसेसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, DOS का पूर्ण रूप क्या है? डेटा ऑब्जेक्ट सिस्टम, डेटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौन हो जाएगा? DOS का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की इस वीडियो पे मैंने आज की इस वीडियो पे 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट आपको करा दिया है। यदि आपको आज की ये प्रैक्टिस सेट पसंद आती है तो प्लीज RRB साइंस के प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हम जब भी इसकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आप तक ये वीडियो पहुंच सके और आप एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकें। और आपको यदि इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका PDF जरूर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।